नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़रूम का ब्रांड न्यू शो कमेंट्री। इस शो में हम रोजाना बड़ी खबरों पर एकदम न्यूज़रूम स्टाइल में निष्पक्ष कमेंट्री किया करते हैं और करेंगे भी। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद की खबरें हमें हमारे ट्विटर हैंडल द न्यूज़रूम पर बता सकते हैं, जिस पर आप एक निष्पक्ष कमेंट्री सुनना चाहते हैं। तो आइए आज की रनिंग कमेंट्री चालू करते हैं। आज की हमारी कमेंट्री में हमारा साथ देंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी और जाने माने पत्रकार शेखर अय्यर जी। शेखर अय्यर जी, न्यूज़रूम के इस नए शो में आपका स्वागत है। नमस्कार धीरज जी। आज की जिन बड़ी खबरों को हमने कमेंट्री के लिए चुना है, उनमें सबसे पहला है राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है। कल ही मोदी ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू हमेशा आरक्षण के खिलाफ थे। आइए पहले हम वो राहुल गांधी का बयान सुन लेते हैं। मोदी जी कहते हैं भाषण में पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी तेली का सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आपका, लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी हैं। ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा, लिख के ले लो। जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। इसमें एक बड़ी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि चूंकि वो ओबीसी कम्युनिटी के नहीं थे और उनको बाद में बनाया गया, इसलिए वो ओबीसी और या आपका भला नहीं कर सकते और जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे, मैं करवा दूंगा। क्या राहुल गांधी ओबीसी कम्युनिटी के हैं? और जन्म से कौन क्या होता है? खैर, लोग उनके जन्म और उनके जात और उनके धर्म पर भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि वो खुद ही एक पारसी के बेटे हैं, पारसी के बेटे नहीं कहूंगा, पारसी के पोते हैं, और फिर भी वो जन्मधारी बन करके घूमते रहते हैं, अपने आप को ब्राह्मण कहते रहते हैं। बहरहाल, इन्हीं सारे मुद्दों पर, जैसे मैंने कहा था कि शेखर जी के साथ हम बातचीत करेंगे। शेखर जी, सबसे पहले आपसे ये सवाल कि ये मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, उनको उठा करके क्या मिलेगा? आप क्या देख रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ मिलने वाला है, या कांग्रेस पार्टी के बाकी सदस्य भी ये सोच रहे हैं कि इसमें हो रहा है। ये लगता है कि राहुल जी जो भी हथियार उनको लगता है हथियार है तो फेंक दो मोदी के ऊपर, लगे ना लगे कोई फर्क नहीं है। क्योंकि देखिए, दो तीन बातें इसमें आती है। एक बात है कि भाई कोई जन्म से ओबीसी है। देखिए, इस वक्त आंदोलन चल रही है महाराष्ट्र में कि मराठियों को, सॉरी, मराठाओं को उसमें डालिए, ओबीसी में डालिए, या कुनबी सर्टिफिकेट दे दीजिए। कुनबी एक समुदाय है जो मराठा समुदाय से जुड़ा हुआ है,
लेकिन सारे मराठे कुनबी नहीं है और कुनबियों को काफी समय से ही सर्टिफिकेट दिया हुआ है। अभी मांग हो रही है सबको कुनबी सर्टिफिकेट दे दो। तो जब वैसे भी हरियाणा में भी जाट समुदाय भी मांग रहे थे कि भाई हमें ओबीसी कर दो, पटेल समुदाय, पाटीदार समुदाय गुजरात में, जो समुदाय अभी नहीं है वो तो लिस्ट में आना चाहते हैं। तो ये कहना भाई आप थे ना थे वो अलग बात है, लेकिन फैक्चुअली भी मुझे लगता है राहुल गांधी जी जो भी बातें कही है उसका अभी खंडन भी आया है, सरकार की तरफ से भी एक फैक्ट्स पॉइंट आया है और बीजेपी की तरफ से। पॉइंट नंबर वन ये है भाई, जब मोदी जी की जो कम्युनिटी है, गांछी कम्युनिटी, गांछी बोध कम्युनिटी, जब सब सेक्शन बनाया गया था, गुजरात सरकार ने बनाया था 1994, ओबीसी लिस्ट में डाला था, तब उस समय कांग्रेस शासन पे थी गुजरात पे। और जब बात की जा रही है 99 में वाजपेयी सरकार थे दिल्ली में, क्योंकि सेंट्रल लिस्ट में भी उसको रिफ्लेक्ट किया गया, लेकिन मोदी जी तो बने मुख्यमंत्री 2001 में, 99 में कहीं भी बात नहीं थी मोदी जी को मुख्यमंत्री बनने की। तो ये सब देखिए कोई पॉलिटिकल लॉजिक भी नहीं हो रहा है और मुझे नहीं लगता कोई इससे कोई राहुल जी को कोई फायदा होगा, लेकिन उनके अंदर इतना गुस्सा है कि मोदी जी प्रति पर्सनली, अब जो भी कह चाहे मैं कुछ बोल के भाई देखो क्या होता है, इसमें कोई रिएक्शन, जब उनको पता नहीं चलता है कि इस सारे से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। जैसे आपने शुरू में इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा भाई, जी आपने पहले अपने आप को कौल ब्राह्मण करके ये किया जनेऊधारी, आप कह रहे हो ओबीसी आरक्षण के लिए कर रहे हो, जो आप स्वयं ओबीसी के कैटेगरी में नहीं आ सकते, क्या कोई भी ओबीसी के लिए भलाई करने के लिए क्या ओबीसी अभी होना आवश्यक है, वो भी और जन्म जन्म नहीं, जन्म से भी होना आवश्यक है। मुझे लगता है राहुल जी कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि कोई चीज खो गए हैं जिसको अभी भी ढूंढते रह रहे हैं। सर, जब इसको इसको हम लोग एक तरीके से बोलते हैं कि जब कोई भी इनको पॉइंट मिल जाता है तो इनको लगता है कि इनके लिए एक यूरेका मोमेंट आ गया, और वो पॉइंट लेकर के फिर भागना शुरू कर देते हैं और इतने आवेश में आ जाते हैं। आज अभी जो हमने वीडियो चलाया उसमें आप देखेंगे, उनका जो आप एग्रेशन देखेंगे, ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ में कुछ मिल गया है, मतलब वो आज ही मिला इनको, तो उस आवेश में वो जाकर के बोल देते हैं। नहीं देखिए, कल भी पार्लियामेंट में आपने देखा जब मोदी जी इनकी जो कैंपेन की इनडायरेक्टली जिक्र कर रहे थे, तब क्या बोले भाई, इनको मार्गदर्शक जो देने वाले बाहर से जो मार्गदर्शक दे रहे, यानी साहब पित्रोड़ा जिनको आपने भी इंटरव्यू किया था, मोदी जी क्या बोले कि ऐसे लोग इनको मार्गदर्शक दे रहे हैं, और टू आइडेंटिफाई हिम प्राइम मिनिस्टर, वो बात बात हुआ तो हुआ तो क्या हुआ, यानी वो 94 राइट्स का भी प्राइम मिनिस्टर याद दिलवाया कि जी, ऐसे सलाहकार हैं जो सलाहकार ओबीसी को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बनने की इनको सलाह दी थी। अब देखिए मुझे लगता है कांग्रेस इस चुनाव में 2024 चुनाव में मुद्दे से भी भड़क रहे हैं, नेतृत्व तो बड़ा सवाल है, कोई फिक्स कार्यक्रम नहीं हो रहा है, गठबंधन नहीं बन रहा है, सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, और केवल प्रधानमंत्री पर मतलब हर दिन कुछ ना कुछ ठोकना या कुछ ना कुछ उन पर फेंकना, मुझे नहीं लगता है ये कोई सीरियस कैंपेन की विषय नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए आप लोकसभा कैंपेन की बात कर रहे हैं, अब यात्रा कहाँ से शुरू हुई कहाँ जा रही है वो तो रोड मैप है, लेकिन पर्पस ऑफ द यात्रा क्या है। आज भी इन्होंने जो जनवरी 14 स्टार्ट किया, आज हो गया फरवरी 8 तारीख, जी और आप देख रहे हैं कि इतने दिन में भी आज तक हमें कोई पर्पस नजर नहीं आ रहा है। इसके ऊपर जिस तरह भ्रष्टाचार मुद्दा आगे मतलब जिस तरह उबल के आ रहा है, आज आज जो खुलासा हुआ है कि हेमंत सोरेन के जो बीएम गाड़ियां जो सीज हुई है, वो धीरज साहू जिनके घर से आपने देखा कितने करोड़ों कैश जी मिला था, 300 करोड़ रुपए 300 करोड़ रुपया मिला था, वो अब आ गया है कि भाई ये जो बीएमडब्ल्यू इनके घर पे दिल्ली के निवास पे जो पार्क हुआ था वो जी वही कंपनी का है जो धीरज साहू से लिंक्ड है, तो जी वो पैसा जेएमएम, ये सारे लिंक आ रहे हैं जो नए नए डायरेक्शंस दे रहे हैं जो करप्शन मुद्दे को। अब ये सब संभाल नहीं पा रहे, कोई पार्टी कुछ नहीं कर पा रही है, धीरज साहू मामले भी बड़े खामोश रहे काफी समय, बोले वो उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उनका पैसा जो है वो हमारा नहीं है। जी अब यहाँ एक सीएम निकल के आ रहे हैं, हेमंत सीएम जो रिजाइन कर चुके हैं, अब जेल में अभी ईडी के कस्टडी में है। देखिए मामला सीरियस होता जा रहा है नीरज जी, मुझे लगता है ये सारे कांग्रेस नेताओं को दे मस्ट कट द डैमेज, किसी प्रकार एक कैंपेन की ये करना चाहिए,
अब जैसे इनको पता चला कि आज सरकार व्हाइट पेपर ला रही है, क्योंकि बजट में भी वित्त मंत्री ने कह दिया था कि जी वो व्हाइट पेपर लाएंगे, और जी आपको याद होगा व्हाइट पेपर का लेकर प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं 4-5 साल पहले ये बता दिए थे कि मैं चाहता था कि तुरंत व्हाइट पेपर ले आऊं, बिल्कुल लेकिन मैं अपने आप को रोक लिया क्योंकि मैं डिमोरलाइज करना नहीं चाहता था। सिस्टम कोलैप्स हो जाती अगर मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद यह कहता, पूरा खोखला है ये, अगर मैं कहूं तो ये हो जाएगा, इसलिए पहले हम गड्ढे भरने में लगे। जी। आज आज जो व्हाइट पेपर इशू हुआ है, उस व्हाइट पेपर में भी बिल्कुल यही बात लिखी हुई है जो अभी आप बता रहे हैं। और उस पे हमने अभी एक स्टोरी भी की है कि मोदी को 10 साल क्यों लग गए व्हाइट पेपर लाने में। देखिए नीरज जी, क्या हो रहा है, मैं एक पॉलिटिकल कारण बता सकता हूं। पॉलिटिकल कारण यह है, क्योंकि जब कांग्रेस की विपक्ष की कैंपेन है कि मोदी जी ने आके सब बिगाड़ दिया, सब चीजें बिगाड़ गई, ये जो कैंपेन जो चल रहा है, चीजें अच्छी थी अब बिगड़ गई, उसको काउंटर नैरेटिव है ये बताने के लिए, भाई ऐसा वास्तविकता नहीं है, परिस्थिति 14 में ये था, आज 24 में ये है, नंबर 1। नंबर 2, ये बार बार पहले भी बीजेपी कह चुकी है कि जब एनडीए के कार्यकाल वाजपेयी के नेतृत्व में जब समाप्त हुआ 2004 में, क्योंकि बीजेपी मेजोरिटी नहीं ला पाई 2004 के चुनाव में, तब उन्होंने जो इकोनॉमी को हैंडओवर किया यूपीए को, कांग्रेस नेतृत्व को, वो बेटर शेप में था। अवश्य उस 2014 कैंपेन 4 का कैंपेन था कि इंडिया शाइनिंग नहीं है, कोई चुने मुने लोग ही शाइन कर रहे थे, बाकी भारत तो अंधेरा मत था, यही था कांग्रेस का कैंपेन। जी, और आज देखिए वो वही इसी टाइप कैंपेन हो रही है, भाई कुछ सेलेक्टेड लोग बेनिफिट हुए, बाकी गरीब गरीब रह गए। लेकिन एक तरफ बीजेपी की कैंपेन चल रही है, भाई हमने क्या क्या उपलब्धियां की, क्या क्या किया है, क्या क्या हुआ है, कितने मकान बनाए, गैस कनेक्शन कितने दिए, और ये जो कहना है कि भाई गरीबी के जो मल्टी डायमेंशनल गरीबी है, जो कई क्राइटेरिया है, उसमें से 25 करोड़ लोग ऊपर आ गए, और उसका भी देखिए 25 करोड़ लोग आ गए, तो फिर दूसरा सवाल आया ऑपोजिशन से, फिर आप फ्री राशन क्यों दे रहे हो अभी तक, अगर 25 करोड़ लोग के आ गए, 80 करोड़ परिवार को क्यों दे रहे हो, उसका भी जवाब प्रधानमंत्री ने अपने डिबेट में दिए अभी पार्लियामेंट में, बोले भाई जो जो लोग गरीब से निकल गए लेकिन उनको अब और भी मदद चाहिए, उनको हमें मदद कर रहे ताकि वो ठीक से खड़े रहे और आगे भी चले। तो ये पॉलिटिकल सारा नैरेटिव इसी पर चल रहा है। तो आज खूब मतलब एक प्रकार से एक जल्दबाजी में इन्होंने एक काला न्याय, यानी एक काला भी ये निकाला, ब्लैक पेपर ब्लैक पेपर यानी न्याय, मतलब जी, किस तरह न्याय नहीं हुई है, अन्याय कैसे हुआ है, लेकिन उसको भी प्रधानमंत्री ने बड़े मतलब एक हंसी मतलब एक लाइटली ले लिए अपने भाषण में। तो उसको उन्होंने बोला कि काला टीका है, लगा दिया, बहुत बढ़िया हुआ, अब शुभ वो किया। नहीं, उनका कहना है कि भी हमेशा जो बच्चों को, जो बच्चे 1 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं, अच्छे से अगर माँ उनको कहीं बाहर ले जाने के लिए तैयार करते हैं, तो बड़े काले ये लगा देते, क्योंकि दृष्टि हटाने के लिए। जी, तो अभी आपने सर सैम पिट्रोडा के इंटरव्यू का जिक्र किया, इसलिए मैं वहां पे वापस आ रहा हूँ। सैम पिट्रोडा को मैंने एक सवाल पूछा था कि आपकी जितनी भी रणनीति दिख रही है और आप जो भी अभी बातें कर रहे हैं या करने वाले हैं कैंपेन में, उससे आपके वोटर्स इंटैक्ट रहेंगे, नए वोटर्स को आप ऐड नहीं कर पाएंगे। वही बात आज राजदीप सरदेसाई ने अभी ट्वीट करके लिखा है, इनफैक्ट अभी का आज सुबह ही लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के वोटर्स 11.9 करोड़ 2009 में थे और वो अभी 11.94 करोड़ हुए हैं। इसका मतलब कि केवल 4 लाख वोटर्स की बढ़ोतरी हुई है। उसी तरीके से उसके एवज में बीजेपी ने अपने वोट बढ़ाए हैं 7.8 करोड़ से 22.9 करोड़। अब जब तक आप नए वोटर्स को ऐड नहीं करेंगे, तब तक आप इलेक्शंस नहीं जीत पाएंगे। इसका जवाब तो खैर आपने सुना ही होगा, सैम पिट्रोडा ने यही दिया था कि जी हम वोट के लिए नहीं कर रहे कुछ। अब जब आप पॉलिटिक्स में रह करके वोट और वोटरों को ऐड करने के लिए कोई बात नहीं कह रहे हैं, तो फिर किस वजह से कह रहे हैं समझ में नहीं आता। आपको सामाजिक न्याय चाहिए तो आप लेते रहिए, फिर एक्टिविस्ट बन जाइए, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। दिस इज वॉट आई कैन से। नीरज जी देखिए, कांग्रेस का कोई लक्ष्य सामाजिक न्याय या ऐसा कुछ नहीं है, बस केवल इतना ही है कि जो मोदी जी को लग रहा है कि बीजेपी मतलब उनके शासन में ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उसको थोड़ा कैसे हम कमजोर दिखाएं,
वही पर्पस है। बट मुझे लगता है कि वो कोई पर्पस नहीं सर्व करेगा, क्योंकि देखिए अब कांग्रेस को एक चार पांच मुद्दे लेकर कहना था, भाई ये सब नहीं हुआ, ये प्रॉमिस हुआ था ये नहीं हुआ, जी और ये ना करके उन्होंने कई डायरेक्शंस पे फायरिंग शुरू कर दी है विदाउट रियलाइजिंग भाई उसका कैसे काउंटर होगा। और दूसरी बात धीरज जी, आपने भी जो बातें सामने लाए साहब पिट्रोडा के इंटरव्यू में, वही बात आ रही है, क्योंकि उस समय भी आपका जो इंटरव्यू था, इट वाज द ओनली इंटरव्यू ऑफ साहब पिट्रोडा, यानी द पहला इंटरव्यू, जी और उस इंटरव्यू में से क्या लगा कि कोई व्यक्ति जो बाहर बैठा है वो आइडियाज दे रहा है, ऐसे कई बाहर के बैठे हुए लोग आइडियाज दे रहे हैं, और वो आइडियाज किस तरह प्रोसेस हो रही है, कैसे राहुल जी फाइनली उसको पेश कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी लगा और मुझे भी लगा, कई दर्शकों को लगा होगा जिन्होंने आपका इंटरव्यू देखा है, कि भाई ग्राउंड रियलिटी से ट्यूनिंग नहीं थी। मतलब आप IIC में बैठकर या कहीं एक एलिट क्लब में बैठकर डिस्कस कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन आज के तारीख में जमीन पर, गांवों में, कस्बे में, शहरों में, छोटे बड़े सब में एक माहौल जो है वो पॉजिटिव माहौल है, निराशा नहीं है। देखिए कोविड कार्यकाल में वो निराशा था, भाई कैसे हम निकलेंगे, क्या होगा, लेकिन जैसे कोविड की कार्यकाल खत्म हुआ, एक प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी आई है, और उस पॉजिटिव एनर्जी और चीजें जुड़ गई है। भाई विश्व भर में इतना तकलीफ हो रहा है, आर्थिक मांदी जो देख रहे हैं कई जगह, कई तो कह रहे हैं भाई वो हो गया, अभी तो डिप्रेशन में चला गया है, जी स्टैग्नेंसी आ गई है, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे समय में भारत में कई शहरों में इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप हो रही है, लोगों फिर वापस नौकरी आ रहे हैं। एक मैंने सुना था, एक रिपोर्ट सुना था कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई है, कई लोग उस इलाके के लोग जो बाहर गए थे, कलकत्ते, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद काम कर रहे, वो वापस आ रहे हैं। इसका मतलब फ्यूचर में जो चीप लेबर दक्षिण स्टेट्स को, पूर्व स्टेट्स को या पश्चिम स्टेट्स को जो मिलता था, क्योंकि गरीबी ज्यादा थी उत्तर प्रदेश में या बिहार में, आने वाले समय में 5 साल में ये खत्म हो जाएगा, वहां लेबर की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे अपने स्टेट में चीजें बदल रही है लोग वापस जाना चाहते हैं। ये बात प्रधानमंत्री कई बार कहे, भाई कोई भी नहीं चाहता कि अपने घर से, गांव से, अपने माता पिता से दूर जाके काम करे। देखिए ये परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन को कांग्रेस को स्वीकार करनी चाहिए, उसके बाद आप बताइए क्या ऑल्टरनेटिव करेंगे। अब क्या है, आप पूरा उसको नकार रहे हैं, जो लोग ग्राउंड लेवल पर देख रहे, नहीं है तो नहीं है। यही प्रॉब्लम आएगी प्रधानमंत्री को, जब मतलब प्रधानमंत्री को नहीं, राहुल जी को, कि जी आप जितना भी कहो कहीं ना कहीं ग्राउंड ट्यूनिंग होनी चाहिए, आप पब्लिक पल्स को देखना चाहिए। वो मुझे लगता है राहुल जी फेल हो रहे, और एक के बाद एक आपके जो पार्टनर्स है हिंदी अलायंस में, वो बीजेपी की ओर देख रहे हैं या बातचीत करना चाहते हैं या बार्गेनिंग करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब मोहब्बत की दुकान में ना मोहब्बत है ना और कुछ मिल रहा है। जी तो सर, एक चीज आपने अभी जिक्र किया किस तरीके से सदर्न स्टेट से धीरे धीरे वहां से वहां पे अब मे बी फ्यूचर में जा करके हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना साल लगेगा, लेकिन शायद लेबर प्रॉब्लम वगैरह चालू हो जाएंगे। लेकिन वही सदर्न स्टेट के जो अपोजिशन रूल्स लीडर्स हैं और चीफ मिनिस्टर्स हैं, कल भी हमने देखा कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने आकर के दिल्ली में धरना दिया, आज केरला के चीफ मिनिस्टर ने आकर के धरना दिया है। ये सारा का सारा इनको लग भी रहा है कि ये क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, जबकि कितनी बार संसद में, संसद के बाहर ये बयान दिया जा चुका है कि आप लोग अपने अकाउंट्स वगैरह सब ठीक ठाक रखिए, आप लोगों को पैसे इसी तरीके से जाते रहेंगे। तो ये इतना बवाल मचा करके आपको ये लगता है कि इसका कितना कनेक्शन है इसका लोकसभा चुनाव से? नहीं काफी है, मैं क्यों बताता हूँ, देखिए करना, और इस पर भी एक कॉन्ट्रडिक्शंस भी बता देता हूँ। देखिए सबको पता है कि केंद्र से जो भी रिसोर्स ट्रांसफर होते हैं फाइनेंस कमीशन के हिसाब से होते हैं, 15 फाइनेंस कमीशन ने भी रिपोर्ट दी है, उसका एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला में जनसंख्या और जनसंख्या का नियंत्रण दोनों फैक्टर है, क्योंकि तो बार बार दक्षिण भारत से ये आवाज आती है, भाई हम नियंत्रण में रखे हमें कोई नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, जो फॉर्मूला है जनसंख्या और उसकी समस्या और जनसंख्या उसके नियंत्रण, जो स्टेट्स नियंत्रण में आए उनको भी बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, और साथ में जो 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 जो
जो बाकी भी फॉर्मूला में आप देखा जाए ये होता है। और ऐसे समय में इन्होंने काफी प्रॉमिसेस करके चुनाव जीते, जैसे कांग्रेस ने कर्नाटका में जीता, इतना प्रॉमिस कर दिया, ट्रेजरी में कुछ पैसे नहीं है, अब वो सारे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। अब आके कह रहे हैं भाई हमें दो, यही हालत है तो डीएमके का तमिलनाडु में, यही हालत है। और केरल देखिए, केरल का बड़ा इंटरेस्टिंग है, केरला के पिनाराई विजयन, इतने साल तो कोई कंप्लेन नहीं था मोदी जी के साथ, एक्चुअली फैक्ट इज ही हैड अ गुड रैपोर विद द पीएम। इसीलिए कल जो कांग्रेस प्रदर्शन की और आज वामपंथियों का प्रदर्शन को आज कांग्रेस को डिसाइड कर रही है वामपंथियों को, भाई आपने स्टेट को ठीक से नहीं मैनेज किया और यहाँ आके कर रहे हो। अरे जो चीज कर्नाटक भी कर रही थी कल, और आज के ये में अब अपने केजरीवाल भी चले गए। तो देखिए ये दिखाना चाह रहे हैं भाई हम, हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम वादा पूरा नहीं कर रहे। अच्छा, जब जैसे ही सरकार कर्नाटका में सिद्धरामैया की सरकार आई, उनका सलाहकार स्वयं बोल दिए थे भाई हमें, सलाहकार भी बोले, उप मुख्यमंत्री डीके शिवार कुमार भी बोले, शिव कुमार भी, कि कोई विकास का कार्यक्रम अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि हमने वादा बहुत कर दी। और सलाहकार ने भी कहा कि ये तो उसी ये जो है ये सारे इंप्लीमेंट करने के लिए तो हमें और भी जो करोड़ों चाहिए, उन्होंने फिगर भी दिया लगभग 1 लाख करोड़ आधा चाहिए, नई टैक्स डाल नहीं सकते। अब इस चुनाव आ रहे हैं तो आप, ये मौका है भाई आप ब्लेम कर दो क्योंकि बीजेपी मेन चैलेंजर है कर्नाटका में, लेकिन केरला में क्या है, लेफ्ट का चैलेंजर कांग्रेस है। कांग्रेस वही पिनराई विजयन की आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है जिस आर्ग्यूमेंट को कांग्रेस कर्नाटक के लिए कर रही है दिल्ली के रास्तों में। और ये, और मैं मानता हूं नीरज जी, एक दूसरी डेंजरस बात है, क्या है ये जो इस तरह की बातें करना, भाई हम टैक्स इतने दे रहे हैं हमें इतना ही मिल रहा है, और डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश जैसे नेता कह रहे हैं भाई हमें अलग सोचना है, कहीं ना कहीं इस तरह की टेंडेंसी इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंकरेज करना, इस थॉट को कोई जस्टिफाई करना भी बड़ा डेंजरस है और एक्ट ऑफ इरेस्पॉन्सिबिलिटी है। और कांग्रेस जैसे पार्टी को, भाई आप छोटा मोटा रीजनल पार्टी नहीं हो, आप एक राष्ट्रीय स्तर पार्टी हो जिन्होंने इस देश को संभाला, 50-60 साल किए आपने, और आप ही इस तरह की बातें कर रहे हो और इसका कोई कंडन नहीं है, कुछ नहीं है। अब आपके ही नेता इंदिरा जी शहीद हुए, राजीव गांधी शहीद हुए, तो जी सर, ऐसे समय में फिर आप इसी तरह की बातें करना, देखिए चुनाव आता है जाता है, कोई पार्टी जीतती है कोई पार्टी हारती है, लेकिन ऐसे चीजों को आप ये करके वहां के युवाओं को क्यों भड़का रहे हो भाई। आप देखिए क्या हो गया, ये ब्लेम गेम, अगर मेरी कमी है मैं कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं, बस किसी और तीसरे को ब्लेम करना है मुझे। और सबको पता था कि जब कांग्रेस ने ये गारंटी दी और प्रियंका गांधी जी के नाम पे गारंटी दी गई, सबको पता था ये इंप्लीमेंटेबल नहीं है, उतने पैसे नहीं है, आपकी वो टैक्स बेस भी कम है। तो और ये कहना भाई देखो एक परिवार में सबको पता है भाई सम स्टेट्स नीड मोर हेल्प, भाई बिहार जैसे राज्यों के लिए, अब ये प्रधानमंत्री कल पार्लियामेंट ये बात भी बोली, अच्छी से बोली भाई हर स्टेट का कुछ खासियत है जो देश के लिए वो कर रहा है, किसी के पास माइंस है, किसी के पास मिनरल्स है, किसी के पास हाइडल एनर्जी है, किसी पावर सरप्लस, जैसे बंगाल, बंगाल में इंडस्ट्रीज इतनी नहीं है तो आज बंगाल माना जाता है पावर सरप्लस, बंगाल तो इज अर्निंग बाई सेलिंग पावर। अब देखिए ये सारे चीजें आप इस तरह सोचने लगे भाई मुझे केवल पैसे ही चाहिए और मैं ये नहीं दूंगा वो नहीं दूंगा, ये तो बच्चों वाली बात है। ये कोई पार्टी जो पावर में रह चुकी है, जो आगे भी अब पार्टी आ सकती है सत्ता में, इस तरह की बातें करना मुझे लगता है इट्स अ वेरी, इवन कॉलेज लेवल पर भी डिबेट में भी इस तरह की बातें नहीं होगी और बिल्कुल डेंजरस भी है। सर, अभी अभी आप हम बात कर रहे हैं, तुरंत से श्वेत पत्र जो जिसको हम बोल रहे हैं व्हाइट पेपर संसद में पेश किया गया है, उसकी डिटेल्स आने लगी है। तो थोड़ी सी डिटेल हमारे पास आई है पॉइंट वाइज की, क्या क्या इसमें सरकार ने लिखा है। तो पहला पॉइंट ये है कि यूपीए सरकार ने देश की आर्थिक नींव कमजोर की। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि यूपीए काल में रुपए में भारी गिरावट हुई। तीसरा पॉइंट जो, हालांकि मुझे ज्यादा इत्तेफाक नहीं लगता है, एनडीए के काल में, अभी मोदी गवर्नमेंट में भी रुपए की कीमत में भारी गिरावट हुई है।
बैंकिंग सेक्टर का बहुत बुरा हाल है और था बेसिकली, ये उसमें कहा गया है। तीसरा ये है, चौथा पॉइंट ये है कि विदेशी मुद्रा भंडार में काफी कमी हुई थी और भारी कर्ज लिया गया था। और फिर लास्ट पॉइंट जो मेरे पास अभी तक आई है वो ये है कि राजस्व का गलत इस्तेमाल हुआ। तो जैसे, और इसके साथ साथ इसमें 15 घोटालों का जिक्र है, 10 साल के 15 बड़े घोटालों का जिक्र करते हुए ये स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, व्हाइट पेपर ऑन इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में 2014 से पहले की चीजों पे हमला किया गया। तो सर, ये व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, इन सब चीजों का मतलब क्या है? अगर हम अपने दर्शकों को समझाना चाहें, व्हाइट पेपर ऑफ कोर्स एक रिपोर्ट होती है, एक डिटेल्ड रिपोर्ट होती है, लेकिन डिटेल्ड रिपोर्ट जब इनकी आई तो, या इन्होंने जिस तरीके से सरकार के अंदर से सारी चीजें निकाली, उसके जवाब में आपने बोला कि ब्लैक पेपर भी निकला है, तो जनता को इन सब चीजों से क्या लेना देना है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं, ये देखिए, ये एक सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से ये वोटर्स को कहा जा रहा है, भाई डोंट फॉरगेट क्या हालत थी 2004 से लेकर 2014 तक, और जी 14 के जब हम आए तो कैसे, कितने दिक्कतें थी हमारे सामने, जिसको जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं, और प्राइम मिनिस्टर ये ने भी कहा कि मैं तभी बताना चाहता था जनता को, लेकिन बताया नहीं, जी पहले सोचा कि पहले इसको सुधारूं फिर बात करूं, और आज समय आ गया क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि चीजें बिगड़ी है उसको काउंटर करने के लिए ये पेपर है, ये दिखाने, और व्हाइट पेपर जब सरकार लाती है बड़ी अथॉरिटेटिव होती है, ये लाइट एक कोई प्रेस स्टेटमेंट टाइप नहीं है, ठीक है, जी फाइनेंस मिनिस्ट्री तरफ से एक डॉक्यूमेंट, ये तो रिकॉर्ड में रहेगी ये डॉक्यूमेंट, और पार्लियामेंट रखा गया है, मैं आपको शेयर किया हूँ जो ओरिजिनल जो व्हाइट पेपर अभी आया, मैंने शेयर किया हूँ, जी उसमें जी बहुत डिटेल करके बताया गया भाई सिस्टम में क्या हुआ, जैसे आपने कहा स्कैम्स में क्या हुआ, बैंकिंग सिस्टम कैसे कोलैप्स करके, जिसको लेकर प्रधानमंत्री कई बार बोले यही फोन बैंकिंग था, कोई मंत्री फोन कर देते थे बैंक चेयरमैन को, वो पैसे दिया जाता था, उसमें बड़े बड़े पूंजीपति जो बेनिफिट हुए वो फिर कांग्रेस पार्टी की फंड्स पे देते थे, ये एक पैटर्न था, और इतना बढ़ के एनपीए बढ़ गया बैंकों का, अब जब एनपीए बढ़ के जब इनको आया तब पता चला, और लगातार बैंक्स पैसे देते गए, और जब मोदी कार्यकाल में चलता रहा, जब बैंक्स की एनपीए की ऑडिट हुई तब चीजें सामने आई, तब तक मोदी कार्यकाल में कुछ पैसे और गए, लेकिन कांग्रेस ने उसको टर्न करके कह दिया भाई आपके कार्यकाल में और ज्यादा हुआ, जब जी चीजें बिल्कुल, तब से शुरू हुई, तभी आप कह रहे और हैं कि व्हाइट पेपर लाना जरूरी था। नहीं इसलिए ला रहे हैं ये बताने के लिए भाई ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है जब हम आए थे, ये रिकॉर्ड है, अब हमने क्या ठीक किया, टेलीकॉम स्कैम, बैंकिंग का एनपीए, अब तो आप जानते हैं बैंकिंग सेक्टर में पूरा फ्रेश फंड्स देके खाते को थोड़ा कोई राइट ऑफ नहीं हुआ है, जी बैंक से खाता से ये हुआ है, उसको कोई राइट ऑफ नहीं हुआ है लोन, बिल्कुल 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 सर, तो ये भी भाई आपने राइट ऑफ कर दिया, लेकिन किसानों के कर्ज नहीं माफ कर रहे हो, वैसी बात नहीं है, वो भी पॉलिटिकली इलॉजिकल है, लेकिन पॉलिटिकली इलेक्ट्रीफाइंग टाइप आर्ग्यूमेंट्स है, जी क्या कि जितना आप इलॉजिकल बोलो वो पॉलिटिकली क्लिक कर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल बताना जरूरी है क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से कोशिश हुई है, जयराम जैसे, रमेश जैसे नेता एलआईसी को लेकर काफी बोले, इसलिए कल प्राइम मिनिस्टर की रिप्लाई में भी एलआईसी का जिक्र था, आज भी व्हाइट पेपर में है कि भाई एलआईसी के आज एलआईसी की शेयर्स क्या है मार्केट में, और कल प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया भाई इस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को आपके नाम, इनके नाम खराब करके इनको बिगाड़िए मत, इनकी छवि को मत बिगाड़िए, करोड़ों लोगों का आस्था इन संस्थाओं में कई इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो ये मुझे लगता है ये पर्पज ये इसलिए भी है ताकि ये चुनाव में भी डिबेटिंग पॉइंट रहे, लेकिन कांग्रेस इस बार कहती जाएगी भाई 10 साल में चीजें बिगड़ी है, और बीजेपी की तरफ से यही दिखाएंगे भाई चीजें बिगड़ी नहीं है, चीजें बेहतर हुई है, जी पहले ऐसा था पहले ऐसा है, शेखर जी, एक मैं प्रकार से एक टॉकिंग पॉइंट है ये, ज्यादातर आप सही कह रहे हैं कि ज्यादातर इंटेलेक्चुअल क्लास में, मिडिल क्लास में यह बहस की बात होगी। जी दूसरा दूसरा मैं ये पॉइंट कहना चाहता हूँ, इवन मिडिल क्लास और इंटेलेक्चुअल क्लास में जो बहस होती है, कई लोगों से मैं सुनता हूँ और कई लोग लूजली बोल देते हैं कि मोदी के आने के बाद नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, ललित मोदी भाग गया, ये सब एक पूरा माहौल बना हुआ है। आपको क्या लगता है? और वो कभी मानने को तैयार नहीं होते, उनसे अगर कहा भी जाए कि ये घोटाले, ये कर्जे सब मोदी के पहले गए थे,
तब भी नहीं मानते। वो कहते थे ठीक है पहले के थे, लेकिन उसको वीजा क्यों दिलवा दिया, उसको भगा क्यों दिया। तो इन सारी चीजों का आपको क्या लगता है कि ये व्हाइट पेपर से वो दाग धुलेंगे? नहीं देखिए, वो एक एक केस में आपने देखा होगा जो कार्रवाई भी जो हुई है ना, ऐसी कार्रवाई कभी पहले नहीं हुई है। एनपीए को लेकर मैं पूछ रहा हूं, उससे पहले क्या कार्रवाई हुई थी? जी और यहां भी कितने एसेट्स इनके सीज हुए, और जो एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स चल रहे, नीरव मोदी और विजय माल्या वो तो वापस आना चाह रहे हैं, दे आर नेगोशिएटिंग रिटर्न। जब कोर्ट के वहां कोर्ट के ये हो रहा है, और यहां से हमारी तरफ से हमारी सरकार ने भी ब्रिटिश सरकार को कह दी है भाई बेहतर रिलेशन चाहते हो तो इस तरह फिजिटिवों को वापस करो। जी देखिए ये मैं ये भी कह सकता हूं, क्या होता है नीरज जी, जब एक सरकार की कार्यकाल होती है दूसरी शुरू होती है, उस ट्रांजिशन पीरियड में जब तक नई सरकार कमांड ले जान पाती है क्या है, जैसे एनपीए का अगर ऑडिट नहीं होता, पंजाब नेशनल बैंक की घोटाला पता नहीं है चलता। बिल्कुल बिल्कुल देखिए ऑडिट हुई, ऑडिट पहले क्यों नहीं हुई, कहीं क्यों पूछा नहीं गया बैंकों से भाई तो आपके पास क्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, कभी पूछा ही नहीं गया। और जी यह बात जरूरी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बड़े बड़े लोन दिए गए, जी बड़े बड़े लोगों को दिए गए, वो उस लोन से कुछ कट पार्टी को आया, कांग्रेस पार्टी को आया, ये भी फैक्ट है। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक एनपीए से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जिसको ये लोग राइट ऑफ बोलते हैं। राइट ऑफ करना ये जनता को इस तरीके से बताते हैं कांग्रेस वाले, या अपोजिशन की बात करें कि राइट ऑफ करना मतलब कर्ज माफ होता है, जबकि इंग्लिश में राइट ऑफ और वेव ऑफ दो चीजें होती हैं। जब किसानों के कर्ज माफ किए जाते हैं तो उसको वेव ऑफ बोलते हैं, सिमिलरली अगर किसी व्यापारी का पैसा माफ किया जाएगा तो उसको भी वेव ऑफ ही बोलना चाहिए। राइट ऑफ बिल्कुल फाइनेंशियल टर्म में यूज होने वाला एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट को अपने अकाउंट से हटा करके एक फ्रेश शुरुआत हर फाइनेंशियल ईयर में की जाती है, उसका एक प्रोसेस है। इसमें माफी वाफी कुछ भी नहीं होती। तो इन्होंने राइट ऑफ और वेव ऑफ को कंफ्यूज करके पूरी देश की जनता को कंफ्यूज कर दिया कि बड़े लोगों के पैसे माफ करो। बहरहाल खुशखबरी यह है कि राहुल गांधी के आज की स्पीच में अडानी का नाम आया। तो आप सच्ची कह रहे थे, कुछ दिन पहले आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि अडानी, देखना जैसे जैसे चुनाव आएगा वापस अडानी फिर वापस आएगा। नहीं आएगा जरूर, अदानी को तो भूल नहीं सकते। जी सर, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलते चलते हम डिस्कस करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी अब थोड़ा सा जैसे कहें कि पेशेंस खो चुकी है। आज उन्होंने असम में 3 सीटों की घोषणा कर दी, जिसमें गुवाहाटी भी है, और घोषणा करने के टाइम पे उन्होंने बोला कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, हम इंडिया गठबंधन में बने हुए हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जब इन 3 सीटों पे अपना उम्मीदवार घोषित करे तब हमारे उम्मीदवारों को ध्यान में लिया जाए, संज्ञान में लिया जाए। देखिए बातचीत जब आगे नहीं बढ़ रही है तो पार्टी को लग रहा है भाई हम अपने अपना थ्रेट दिखा देंगे, भाई हम कैंडिडेट घोषणा कर देंगे। अब जी कांग्रेस मतलब अगर कांग्रेस आप कर रहे हो घोषणा गुवाहाटी जैसा सीट पर, जी इसका मतलब आप रूलिंग एंटी बीजेपी वोट्स को डिवाइड करने को तैयार है, ताकि आप अभी भी अभी से कह रहे हो, ताकि आप एक प्रकार से प्रेशर डाल रहे हो कांग्रेस पर भाई मुझसे समझौता करो। और ये जो कहना पानी सर से ऊपर जा रहा है, मैं बता दूं ब्रह्मपुत्रा में हमेशा पानी ज्यादा ही होता है, जी तो ऐसा एक नदी जैसे गंगा जैसा है हमेशा पानी है उसमें, जी ब्रह्मपुत्रा में पानी आप देखेंगे, गुवाहाटी शहर में देखेंगे पानी ऐसा चलेगा जैसा कोई मतलब इट्स वर्चुअली सी, आपको तो इस बिल्कुल साइड से उस साइड दिखाई नहीं देगा इतना पानी है। कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें हम असम फ्लड्स पे कम से कम 100 स्टोरीज नहीं करते। तो यह इसका पॉलिटिकल कनोटेशन यही है कि जी भाई पॉलिटिक आज के असम राजनीति स्थिति बड़ी गंभीर स्थिति है, टाइप फाइट है। हेमंत बिश्वा शर्मा कांग्रेस को काफी कमजोर किए, क्योंकि वो खुद एक पूर्व कांग्रेस नेता रहे, तो उनका वो बहुत ऑर्गेनाइजेशनली कांग्रेस को कमजोर हुआ है, और इश्यूज भी ऐसे पोलराइज हुए हैं वहां पे, कांग्रेस कैन नॉट अफोर्ड टू फर्दर अलाउ डिविजन ऑफ वोट्स, जी यानी विपक्ष वोट और डिवाइड होगा तो और भी सीटें 14 का 14 बीजेपी ले जाएगी। तो सब कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि गुवाहाटी की सीट पे जो आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा की है वो इंडिया गठबंधन को मानना ही पड़ेगा। नहीं मानना ही पड़ेगा या कुछ उससे एडजस्ट कर, नहीं वो इसीलिए देखिए आसाम में कोई बड़ा स्टेक्स नहीं है आम आदमी पार्टी की, जी
लेकिन कैंडिडेट देख के प्रेशर डाल रहे यहां पे समझौता करने के। यहां पे जो दिल्ली की बातचीत कोई ये नहीं पहुंचा, हरियाणा में भी कुछ नहीं हुआ, पंजाब में तो दोनों साइड मतलब पंजाब में आम आदमी पार्टी भी तो पहले से इंटरेस्टेड नहीं है, ये चाहते गोवा में कोई बातचीत हो जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की कोई बड़ी वहां पे भूमिका असम में मुझे नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे ये जो स्टेट्स में कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है, एक प्रकार से वो नहीं है भाई आप नहीं तो जहां आपके और भी दिक्कत कर देंगे, और ये टिपिकल अरविंद केजरीवाल टाइप अप्रोच है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमने आज बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत की, कल हम फिर कई मुद्दों को लेकर के आएंगे जिन पे हमारी कमेंट्री रहेगी, और तब तक के लिए हम अपने दर्शकों से आपसे विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।